हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेंचाइजिंग के बारे में और फ्रेंचाइजिंग की क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं उनके बारे में। माफ़ी चाहूँगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, जैसे कि हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान जो कि आपको बिल्कुल हमें परचेस करना चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसको लेने का। और इसको लेने के बाद आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बनेंगे, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेकिन आपको करना क्या, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये जो बेल आइकन है इसको दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा ये जो ज्वाइन का बटन है, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इग्नू बीकॉम का ऑप्शन दिखा रहा है, देखो। इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है। जिस तरह से आप ट्यूशंस में पढ़ते हो वैसे ही आप हमारे पास से पढ़ोगे और आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। असाइनमेंट को लेकर के बहुत इश्यूज होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना होता है आप लोगों को, राइट। तो वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको बना करके देंगे। आपको बस लिखना है और स्कूल कॉलेज में फिर अपना जाकर सबमिट कर देना है। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमसे तो आप नोट्स बाय कर सकते हैं विद 40% डिस्काउंट। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा 24/7 हमारे चैनल की तरफ से। किसी भी तरह की दिक्कत जो है आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है कॉमर्स ई पाठशाला IGNOU, राइट। यहाँ पे बीकॉम और एमकॉम दोनों की पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एमकॉम की पढ़ाई हो रही है। फिलहाल मैंने एमकॉम का पेज खोल करके रखा हुआ है, मतलब बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम करते हैं तो यहाँ पे करना क्या है, जिस तरीके से एमकॉम मैं भी आपको बताने वाला हूँ बीकॉम भी इसी तरीके से चलेगा। कुछ दिनों में मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। सपोज आपको IBO 1 की स्टडी करनी है, आप IBO 1 में गए, यहाँ पे आपने क्लिक करा, IBO 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो निकल करके आ गए हैं यूनिट वाइज। यहाँ पे सपोज किसी का भी आंसर आपको देखना है, क्लिक हेयर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। आपको ऑन द गो आप कभी भी कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो यहाँ पे इस तरीके से रीड कर सकते हैं अपने आंसर्स को, राइट। तो ये फैसिलिटीज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। बीकॉम में भी ये चीजें जो है, देखो बीकॉम ओल्ड में तो नहीं करूंगा मैं, बीकॉम न्यू में करूंगा। जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है उसमें मैं सारी चीजें डाल दूंगा। असाइनमेंट आपके सॉल्व यहाँ पे अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे आकर के कमेंट सेक्शन में पूछ करके आप उससे बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, वो भी पॉसिबल है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रेंचाइजिंग क्या होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। So in a franchising operation, the owner of original business, known as the franchisor, essentially sells the right to use his brand to an entrepreneur called franchisee. है ना। तो एक फ्रेंचाइजी अपने ऑपरेशंस को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए क्या करती है कि वो अपने नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति जो है वो किसी एंटरप्रेन्योर को देती है, जो कि फ्रेंचाइजी कहलाती है। तो दो लोग यहाँ पे हैं, एक है फ्रेंचाइजर जिसके नाम पे कंपनी है और दूसरा है फ्रेंचाइजी जो कि उस नाम की कंपनी का इस्तेमाल करेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। प्रोडक्ट वही बनाएगा, इंग्रेडिएंट्स भी वही होंगी, सारी चीजें सेम टू सेम होंगी कंपनी, लेकिन जो फ्रेंचाइजी जो ले रहा है, जगह उसका होगा, हर चीज उसकी होगी, लेकिन नाम यहाँ पे उस कंपनी का होगा जिसका वो फ्रेंचाइजी ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा पिज्जा हट तो आई गेस इंडियन है, पर मैकडोनल्ड्स हो गया या डोमिनोज हो गया, ये सारी कंपनीज अमेरिकन कंपनीज है, राइट। वो इंडिया में काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने यहाँ पे आकर कोई इन्वेस्टमेंट करा है बहुत बड़ा सा। उन लोगों ने कुछ नहीं करा, बस यहाँ के लोगों को इनकरेज करा है कि वो वहाँ की फ्रेंचाइजी ले लें। पैसे उनको लगाने होते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए और वहाँ पे फिर वो जो है अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं और पीपल बाय, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। In return, the franchisee agrees to follow the franchisor's business model and to pay the franchisor royalty. अब इस रिटर्न में क्या होगा, जो फ्रेंचाइजी होगा वो एग्री करेगा फ्रेंचाइजर के साथ कि जो भी बेनिफिट होगा मैं उसके ऊपर आपको रॉयल्टी पे करूंगा और जो भी बिजनेस का जो काम करने का तरीका वो होगा वो आपके बिजनेस मॉडल के तहत काम करेगा। सपोज मैं दुर्गापुर में रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली। तो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने के बाद जो भी बेनिफिट हो रहा है मेरा तो हो ही रहा है, प्लस उसमें से कुछ परसेंटेज जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं वो हम जिसकी मैंने फ्रेंचाइजी ली है मैं उनको दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो उनका जो बिजनेस मॉडल है काम करने का वो पूरी तरह से मेरे पास जो बिजनेस मॉडल होगा वो भी सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम होने वाला है, ठीक है। तो इसको ओवरऑल कहा जाता है फ्रेंचाइजिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंचाइजिंग हैज बीन इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट वे फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। तो फ्रेंचाइजिंग एक बहुत बड़ा एक तरीका रहा है बिजनेस को डेवलप करने का। फ्रेंचाइजर लाइसेंसेस इट्स नो हाउ, मेथोडोलॉजी, प्रोटेक्टेड इनोवेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स प्लान ऑफ एक्शन, ब्रांड, द राइट्स टू पिच इट्स मार्केट, इट्स मार्क आइटम्स, एडमिनिस्ट्रेशन टू अ फ्रेंचाइजी। है ना। तो जो फ्रेंचाइजर होता है वो एक तरीके से आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप उसके नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आपको बनाना है, नो हाउ, किस तरीके से आप काम करोगे, मेथोडोलॉजी, प्रोटेक्टेड जो इनोवेशंस उनके द्वारा किए गए हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उनको आपको प्रोवाइड करेगा बाई टेकिंग सम नॉमिनल कॉस्ट और रॉयल्टी तो वो लेता ही है, ठीक है ना। सो कॉन्सिक्वेंटली द फ्रेंचाइजी पेज सर्टेन चार्जेस एंड कंसेंट टू कन्फर्म टू स्पेसिफिक कमिटमेंट्स रेगुलरली सेट आउट इन अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से जो फ्रेंचाइजी है, जो जिसने फ्रेंचाइजी ली है उस कंपनी की, वो एग्री करता है कि हम आपको जो है रॉयल्टी पे करेंगे, साथ ही साथ ये जो सारी सर्विसेज आप हमें दे रहे हैं उसके लिए हम आपको चार्जेस पे करेंगे, साथ ही साथ हमारे तरफ से आपको कमिटमेंट भी रहेगी कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो स्पेसिफिक कमिटमेंट जो है वो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत फ्रेंचाइजी जो है वो फ्रेंचाइजर को देता है, ठीक है ना। For the franchisors, utilization of the established framework is an elective business development technique contrasted with extension through corporate climate outlets or clean chain stores, है ना। तो chain stores तैयार किए जाते हैं इंडिया में। आपको पता है कि जो डोमिनोज है या फिर ये है, उसका जो चेन स्टोर करके जो हमारे इंडिया में काम करता है उसका नाम, उस कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। उसके शेयर्स मेरे पास भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो भी चीजें होंगी आप आपस में मिल करके जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है उसके तहत आप इन सारे कामों को करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में, ठीक है। So the most significant cause to think about a franchisee when buying a business is that you are buying a system. Since there is a previously organized system in place, there is higher probability of accomplishment if you follow it, है ना। तो जैसा कि आप फ्रेंचाइजी लेते हो, इसमें होता क्या है, होता ये है कि ऑलरेडी एक सिस्टम काम कर रहा होता है जिसकी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो। तो आप जो फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आपको एक नया सिस्टम तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो भी पुराना सिस्टम है उसी को आप अपने सिस्टम में, आप अपने जगह पे, अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करो। आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सीड कर जाओगे, आप अकॉम्प्लिश कर पाओगे चीजों को। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो सिस्टम पहले से चल रहा है वो ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज सिस्टम है इन प्लेस, और यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप उस चीज का इस्तेमाल करोगे तो आप अकॉम्प्लिश कर पाओगे, है ना। These systems are designed to get better the overall efficiency and augmented sales of each franchisee, है ना। तो ये जो systems होते हैं उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि आपका जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़े, आपको एक अच्छा रिटर्न जो है आपको मिले सेल्स के माध्यम से। तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है कैपिटल को लेकर के। सो द फ्रेंचाइजर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी लेसर बिकॉज द फ्रेंचाइजी प्रोवाइड्स द कैपिटल टू ओपन ईच फ्रेंचाइज चैनल, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्रेंचाइजर को यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट होगा वो फ्रेंचाइजी करेगा। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उस कंपनी की, वो ज्यादा खर्चे करेगा यहाँ पे और वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ताकि आपका जो बिजनेस है वो ठीक तरीके से चल सके, क्योंकि वो आपके साथ मिल करके काम करना चाहता है, right? So franchisors capital requirements will be lesser because the franchisee provides the capital. तो फ्रेंचाइजी है वो प्रोवाइड करता है टू ओपन ईच फ्रेंचाइज चैनल, ठीक है ना। दूसरा है बेटर मैनेजमेंट। सो द लोकल मैनेजमेंट ऑफ ईच फ्रेंचाइज यूनिट विल बी हाईली मोटिवेटेड एंड वेरी हेल्पफुल, है ना। तो सपोज मैंने डोमिनोज का मैंने फ्रेंचाइजी लिया अपने शहर में, और लेने के बाद में सारी चीजें जो है कंट्रोल करने, मुझे जो है अमेरिका से कंट्रोल किया जा रहा है कि तुम ऐसे काम करोगे, तुम वैसे काम करोगे। क्या लगता है मैं कितने दिन तक ऐसे काम कर पाऊंगा? डेफिनेटली ज्यादा दिन तक मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो एक जो डेमोग्राफी है, आप जिस इलाके में रह रहे हो, आप जिस इलाके में अपना बिजनेस कर रहे हो, उस इलाके को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उस इलाके में बिजनेस कैसे चलाना है वो आपके ऊपर होना चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से मैनेज तभी कर पाओगे जब आपको एक तरीके से अथॉरिटी प्रोवाइड की जाए कि आप इन चीजों को मैनेज करो। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो लोकल मैनेजमेंट है वो ईच फ्रेंचाइजी का हाईली मोटिवेटेड रहता है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम भी करता है और वेरी हेल्पफुल होता है, राइट। They care for the franchisee unit as their own. जो franchisee unit होते हैं उसको वो लोग अपना समझते हैं, and that will frequently lead to higher sales and profit levels. जिसके कारण से जो sales level हैं वो भी बहुत ज्यादा higher होते हैं, और जो sales level high होगा तभी profit level तो high होना ही है, है ना। So capital level, capital और better management, these are the two points. Now the third point is less employees. तो फ्रेंचाइजी में एम्प्लॉइज जो है वो लेस होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिस्टम के तहत ये काम कर रहा होता है, हम बस उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो यहाँ पे जो एस्टैब्लिश सिस्टम है वहाँ पे मशीनों से तैयार होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप उस सिस्टम को लगाओगे तो आपके यहाँ पे ज्यादा लोगों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज की संख्या है वो कम जाएगी। The number of employees which a franchisor needs to operate a franchisee network is much smaller than they would need to run a network of a company owned units, है ना। तो एक सपोज कोई कंपनी है और उस कंपनी के बहुत सारे यूनिट्स है जो कि अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एम्प्लॉइज को मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आपके जब आप फ्रेंचाइजी लोगे किसी चीज का, तो उस केस में जो आपका नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसीलिए आपको किसी भी तरह की बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो लेस एम्प्लॉइज इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ एक्सपेंशन। तो इसके माध्यम से आप बहुत ही जल्दी एक्सपेंड कर सकते हो। द फ्रेंचाइजी नेटवर्क कैन ग्रो एज फास्ट एज द फ्रेंचाइजर कैन डेवलप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिक्रूट, ट्रेन एंड सपोर्ट इट्स फ्रेंचाइजी, है ना। तो जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क है वो एक तरीके से बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है और वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है वो एक तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कैसे रिक्रूट करना है, आपको ट्रेन बना रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी फ्रेंचाइजी को, है ना। तो इस केस में जो फ्रेंचाइजर है वो बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी की हेल्प करता है, ताकि जो एक्सपेंशन है, जिनका मेन मोटिव है कि कंपनी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके, वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, reduce attachment in day-to-day operations. So the franchisor will not be drawn in the day-to-day operations of each franchise outlet. तो देखो, फ्रेंचाइजी लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अब जो फ्रेंचाइजर है, सपोज डोमिनोज है, डोमिनोज का जो बॉस है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो मेरे यहाँ पे जितने भी लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है मेरे को छोड़ करके, वो तकरीबन सभी के ऊपर नजर रखेगा, मेरे ऊपर भी रखेगा, जिसने और लोगों ने लेकर के रखी है उनके ऊपर भी रखेगा। तो एक तरीके से ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि डे टू डे बेसिस पे जो फ्रेंचाइजर है वो एक तरीके से हर एक चीज के ऊपर जो है ध्यान दे, है ना। तो उसका जो अटैचमेंट है वो एक तरीके से थोड़ा सा रिड्यूस होगा और आप फ्री होकर के जो है काम कर पाओगे, है ना। Risk and accountability. So the franchisor will not ask its capital and will not have to sign lease agreements, employment agreements, etc. है ना। तो जो रिस्क एंड अकाउंटेबिलिटी होती है वो फ्रेंचाइजर की बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि फ्रेंचाइजर जो है यहाँ पे ना ही कैपिटल के बारे में आपसे पूछ रहा है, ना ही उसको किसी लीज डॉक्यूमेंट पे साइन करने होते हैं, ना ही किसी एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करने होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी कर लेते हैं। उसके बाद का पॉइंट है इंक्रीजिंग ब्रांड फेयरनेस, है ना। तो जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे जब आपके बिजनेस के शॉप्स खुलने स्टार्ट होते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, है ना। तो जो ब्रांड की जो फेयरनेस है वो भी साथ में बढ़ती है। सो लेवरिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द फ्रेंचाइजी हेल्प्स फ्रेंचाइजी ग्रो देयर मार्केट शेयर एंड ब्रांड इक्विटी मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। वही मैं जो मैंने बोला, वही बात बोली गई है कि जब आप लेवरेज करते हो अपने एसेट्स को, अपने फ्रेंचाइजी में जो भी आपके एसेट्स हैं, तो आपका जो फ्रेंचाइजर है, जो फ्रेंचाइजी आपकी, वो बहुत ही तेजी से एक तरीके से ग्रो करती है, मार्केट शेयर भी आपका बढ़ता है, साथ ही साथ जो ब्रांड की क्वालिटी है उसके ऊपर भी लोग ध्यान देते हैं, लोगों को लगता है कि ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ब्रांड इक्विटी की तरफ भी ध्यान बहुत ज्यादा जाता है इसमें, और काम जो है बहुत ही इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो पाता है। सो इंक्रीजिंग ब्रांड फेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिसिटी एंड सपोर्ट। सो फ्रेंचाइजर विल रीच द टारगेट कस्टमर मोर इफेक्टिवली थ्रू द कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज, है ना। तो जो फ्रेंचाइजर होता है वो एक तरीके से अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकता है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग करे और प्रमोशन इनिशिएटिव्स ले, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप बोल सकते हो वन ऑफ द एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको जो है फ्रेंचाइजर जो है उसको एक तरीके से अपने टारगेट कस्टमर को वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो है टारगेट कर सकता है विद देयर कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर फेथफुलनेस। So franchisor use the power of franchising as a system to build customer loyalty, to catch the attention of more customers and to keep them, है ना। तो फ्रेंचाइजर एक तरीके से कस्टमर फेथफुलनेस का इस्तेमाल करता है, वो उस चीज का फायदा उठाता है जिससे वो जो है अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ा कर सके, राइट। तो जो पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग एज ए सिस्टम टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, आप जब अच्छा एक बिजनेस बना लेते हो तो लोग भी आप ही के पास आने लगते हैं, भले ही आप ज्यादा सामान में अपने प्रोडक्ट को बेचो, लेकिन फिर भी लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर लिया। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो कंज्यूमर फेथफुलनेस है उसका हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें उनको भी अटेंशन देना है, उनके लिए भी जो हमारी लॉयल्टी है वो हमको निभानी है और हमें ठीक तरीके से काम को करना है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड ग्रोथ। सो इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज इजियर एंड क्विकर। इंटरनेशनल एक्सपेंशन अभी के टाइम में बहुत ही आसान है और बहुत ही तेजी से हो भी पाता है, सिंस द फ्रेंचाइजी पोजेस द लोकल मार्केट नॉलेज, है ना। तो इस केस में फ्रेंचाइजी को जो है लोकल मार्केट नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस केस में आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हो, अपनी कंपनी को बाहर लेकर के जा सकते हो, बाहर में बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है जो कि आपको मिलता है एज अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंचाइजिंग। सो फ्रेंचाइजिंग और उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, एडवांटेजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।